तुम्हारा नाम आला तू झूठ बोलता है। चले आवाज तो यकीन है जो मेरा दोस्त का लड़का है और राजा है, राजा राजवारी पोशाक में आएगा, हाथ ही बोला कोई सवारी तो बैठ के आएगा। अब तू कौन आला है रे जे पर बस्तर नहीं है आंदो नाम आला बताता है। मैं तुम्हारा बात को माना तुम्हारा नाम आला है, अब अपना घर बता तुम्हारा घर कहाँ है। मेरा घर बाड़ा में रिश्ता नाम आला भाव मानो गंग में है। तुम्हारा बात को माना तुम्हारा नाम आला तुम्हारा घर मालोगढ़ में। अब अपना पिता का नाम बता तुम्हारा पिता का नाम क्या है। मेरा पिताजी के नाम जासर सिंह है। अरे बच्चों अरे तू तो राजा है, राजा तुम्हें राजवाड़ी पोसा हाथी बोला कोई सवारी चाहिए ऐसा हम निकाल भी खाई के तरह के घूम रहा है। क्या बात दे दे आज तुम्हारा लगा को टुकड़ा कर दिया ऐसा क्यों कर रहा है बताएं कैसे जाने। एक रोज के बात है कि मैं अपने फूलों में आम बीने के लिए कैसे जाने। तब तक जगरू भैया नहीं आए मुझे एक आम के कारण जगरू भैया ने मार मार के फूलों से धक्का दे के बाहर कर दिया। बाप का फूलवाली है अरे तू अठनिया शहरदार है अठनिया शहरदार एक आम का हाथ और आम के औलाद को तो सिखाई ना के बगैर स्वीकार कर दे हाय कर दिया और हम खोल करेगा तो घर आम का औलाद और हाथ बहुत करी मुझे कैद खाने में बंद कर दिया चिया जी। तब तक मेरे माँ मेरे बाल खेलने के लिए मेरे माँ पे हाथ बन गया चिया तो बात तो बात तो बात जो ले हराने अल्लाह तला तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे पापी कभी माफ नहीं करेंगे। रे हरानी रे मातवाली मियां पीटीआई में क्या अंतर है रे जब तू पीटीआई पर हाथ उठा दिया तब न माँ को कहाँ छोड़ा कहाँ छोड़ेगा। जो रे हरानी अल्लाह तला तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे पापी कभी माफ नहीं करेंगे। और ऐलान कर दिया है बांधों में हिंदू चाहे मुस्लिम कोई भी रख लेगा मां बेटों को उसको किले में तोप लगा बाप का जिम्मेदारी है पूरा बांध में उनका बाप का जिम्मेदारी है हिंदू मुसलमान हाथ दिया गया है उनका बाप का तूफान कर दिया है। बेटा बता तू अफसर है इतना साथ में और कोई है। मेरे माँ बाहर खड़ी है चिका जी मेरे छोटे भाई के गोद में लेके चिका जी तुम्हारा माँ है अपने माँ को बुला कर उधर बैठा बैठा अपने माँ को बुला कर जा देते सिपाही बहुत पुराना कहानी है बहुत पुराना कहानी जासर और टोड़ दो भाई दोनों के जगह लड़का ये जो है ना लड़कवा ये मेरा दोस्त जासर का बेटा है जगरबट मोहन का बेटा है। एक रोज के बाद दोनों फुलवारी में आम बीनने गया आम बीनते समय एक आम प्रभाव कर ये लड़कवा को पास गिर गया लड़कवा दो कर आम में उठा लिया आम उठा लेने के बाद आम को उठा लिया आगे जगरबट ढाक और हाथ निमोन के आम में छीन लिया। अब इस बच्चे का बुद्धि रुक गया मेरा दोस्त के पास जाके बोला कि पिताजी भैया हमने ढाक और हमारे हाथ लिंगों का आम छीन लिए हैं। लड़का तो जात रुक गया मेरा दोस्त को बहुत तकलीफ हुआ कि भाई वो बड़ा है मेरा बेटा छोटा है बहुत अन्याय कर दिया गुस्सा में मेरा दोस्त जाकर झगड़ुआ का हाथ से आम छीन कर आला को हाथ में थमा दिया।
एक कहानी पूरा देख लिया पूरा तक भैया तो न्याय कर रहे हैं। उनका बेटा का सोना का है और मेरा बेटा का मिट्टी का है। आज मेरे जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं पूरा संपत्ति में आधा हिस्सा लग गया। बखिया 505 पेड़ी बहुत खुश हुआ कि खैर बड़े भाई तो बाप को सम्मान होते हैं। जाइए भैया हमें 5 पेड़ी का हिस्सा नहीं चाहिए, आप खुशी से ले लीजिए। देखिए पंचायत झगड़ हुआ नहीं माना, पंचायत को बदल कर दिया। वो बोला कि 5 मई तो 5 मिली है, हम 5 को पाता ज्यादा नहीं देंगे। और काम का भी इनको मारने को, इनको मारे को कैसे मारे और पूरा संपत्ति होना पर बढ़ जाए। इतना बलवान का बेटा अब भीख मांग रहा है, ठोकर खा रहा है। इतना बलवान का अब मौका टिका कहीं ये कब इनको कैसे मारे। बात मेरा दोस्त जासर गए भगवान शंकर को मंदिर में पूजा करने। भगवान शंकर पर जय चढ़ा कर अपना स्वर को झुकाया। मंदिर में खड़ा था चवारी के पड़ा था। जब मेरा दोस्त भगवान शंकर पर जय चढ़ा था अपना स्वर को झुकाया, उनको मुंडा पीछे जता दिया। ये सब कहानी बावनों की लगे फिर हिंदू मुसलमान सुनकर अपने मुंह में थप्पड़ मार दिया। ये खैर परिजारी का झगड़ है, इसमें कौन जाएगा चाल चिन्हन है। अब कभी ना कभी दोनों यकीन हो गए, लेकिन जब चलते थे अपने बलवान मंदिर जा रहा है। एक तो बेचारी का जवानी में विधवा बना दिया, सुहाग जी लिया, दूसरे मार के निकासी कर दिया और किसी डाका लगवा दिया है। डाका कि बानों में हिंदू मुसलमान पानी रखता उनको किरण हरामी का औलाद। अब सिपाही क्या पता तो लड़ने खेलने का समय बीत गया है, क्या लड़ेंगे खेलेंगे बड़ा छटपटाया कुछ हो नहीं पाएगा। एक काम कर, जो मेरा बड़ा बेटा अली अकबर है उनको पास खबर कर दो, अगर राज जाकर जो हम रखेंगे देखेंगे कि झोरों पास में ताकत है। बुला मेरा बेटा, बुला मेरा बेटा, बुला। वालेकुम सलाम। आपके अब्बा जान बुला रहे हैं। अब्बा बुला है, चलो हम चलेंगे। आए सलाम करता हूँ अब्बा जान में आपको, अब कुछ लिए बुलाए बता दीजिए। कौन सबसे जरूरी है हमसे बड़ा, अपने अकबर से कहकर सुना दीजिए। बताएंगे देख के किस लिए बुलाए हैं। मारवाड़ का देवला मुसमार दो बच्चे को साथ आई है। आने का मतलब यह है बेटा तो झगड़ुआ है, इनको मौत का निकासी कर दिया है और पूरे बाल मैदान करा दिए। कोई भी रह रहा हिंदू और मुसलमान उनको किला में तोप लगा देंगे। बेटा ये सोचने वाली बात है, बाल अपना में इतना हिंदू रहते हुए हिंदू में एक वीर बलवान रहते हुए बेचारी मुसलमान को न कहीं और पड़ता न कहीं सहारा मिलने पर आज राजपूत के बेटी मुसलमान के दर्जे पर आई है। बेटा तुम्हारा क्या राय है, इनकी रखा दे निकाल दिया जाए। तुम्हारा मुंह का दुआरी तुम जो चाहे नहीं होगा बेटे, अब तो मेरा समय खत्म हो गया है। बोल बेटा, अब्बा जान बेटा तुम्हारा माल लगेगी, मेरा दोस्त औरत है तुम्हारा माल लगेगी। मदद कर दे बेटा, मदद कर दे। अरे गिरा के फल बता उठा ले बेटे। अब्बा जान मैं ही कहूंगा अब्बा, उन तीनों को 6 माखा देकर निकाल दिया जाए। निकालिए अब्बा, निकाल दीजिए यहाँ से, निकाल दिया जाए। ओ क्यों ने? आप नहीं जानते अब्बा जान, जगरुआ मेरा घटिया चंडाल है,
कि मारे को चल के प्रदेश में आ जाएगा तो मिला लेगा जो मेरा बेटी नूरिया है मेरा बेटी को पास था बस बोलो तो क्या राज है अब राज के भी जनों को रख लेंगे बुला दो मेरा बेटी को एक बाबी नूरा बात है सिपाही आवा आवा जार के दिन चल आई चल जा हम दोनों जने घूरा सलाम अलैकुम आबा जान वालेकुम सलाम बेटी जब तुम बाजी कह रहा जब तुम जो दिन में इतना तरसाता है क्या गुनाह की है क्या बिगाड़ी है इनको दरवाजे पर इतना हिम्मत रहते हुए तुम लड़की चोरी में पैदा कर दिए हैं बेटी मोहल्ले का दौला मुसमान दो बच्चे को साथ आई है आने का मतलब यह है बेटी झगड़ हुआ है इनको मार्ग निकासी कर दिया है और पूरे मॉल में अनाज राज्य में कोई भी नहीं लगा हिंदू और मुसलमान उनको किला में तुम लगा देंगे बेटी सोचने वाली बात बाम लोग में इतना हिंदू रहते हुए हिंदू में एक से एक दिन बलवान रहते हुए बेचारी मुसलमान को न कहीं आड़ पड़ना न कहीं सहारा मिलने पर आज राजपूत में बेटी मुसलमान के दर्जे पर आई है तुम्हारी बड़े भाई आप लोग इनकार हो गया है बेटी तुम्हारी मुंह का दुआरी तुम जो चाह भी नहीं होगा बेटी जो लड़ने वाला है जो इनकार हो गया है तुम्हारे पास का हिम्मत है तू लड़की जो जो रखने का हिम्मत करती हो क्या हिम्मत है आबा जान आप नहीं जानते आबा जान मेरे पास ऐसा ऐसा दवा है कि ऐसे से झगड़ुआ का मैं खत्म कर दूंगी आबा जान दगाबाज लड़की सबाब से भरी बात बोले में तुझे शर्म है नहीं एक दुश्मन से लाचार हो जाने पर बात बोली तू आकर यहाँ पर खड़ी तुम बोलो शोभाना देगा बुला दिया उसेर के बच्चा पर उसेर के काम कमर बांध चले मुख मोरे न हम देखता हूँ जो कैसा झगड़ुआन है देखता हूँ जो कैसा झगड़ुआ एक है हजारों को देख लेगी अब्बा मगर ऐसा बाप मत की शर्म वाली शर्म हो रही है अब्बा ऐसा बाप मत कही हम तो बचेगा
कब मिलाना पड़ेगा? अरे भाई मन मामा इतिहास पर दुनिया ने इतिहास पर चार फुट का नाम पे लगा मामा मैं इतना हिंदू रहते हुए हिंदू में एक जगह फिर बदमा रहते हुए राजपूत के बेटी मुसलमान की है पूजा रहती है लेकिन पीछे जन्म मतलब मैं मामा नहीं रहता जी तुम्हारी माँ की गोदी में एक मासूम बच्चा है या लाना बचुआ खड़ा ला बेटी तुम्हारा दिल में थोड़ा माम का थोड़ा राम नहीं है अरे बापी ये लाली बच्चा का दिगाड़ा है ये लाली बच्चा बचा तुम निकासी कर दिया तुम्हें अल्लाह तला कभी माफ नहीं करेंगे बापी कभी माफ नहीं करेंगे जी भाई ये लाली बच्चा का दिगाड़ा है इतना जाटा मारा छोटा सा बच्चा क्या पिता की बात बापी को बताइए क्या बात है दिन बड़ी गाता है दिन लगना बड़ी का अभी गाता है सगा जी सहलाना ले कभी कहता जी बकलोहिया ले कभी कहता सलामा ले कहीं मरी के लगा मोहिंग के लगा बगौर काम फार दे कहाँ तक लगे सलामा कहाँ तक लगिया कहाँ तक लगिया भाई तो गया लग रहा है लगा दूँ तो हम कहीं जब तो ही चूड़ा खा के मार दे नीचे तो गिरा था चूड़ा का मुंह तो पैसों का मुंह जला तो बकरे और हम बहुत देंगे आगे नहीं लगे तो भाई नहीं लिया अपना नाम क्या बताया था जी अल्लाह बताया है अल्लाह बड़ा को नाम ही अल्लाह अब छोटा को नाम रख लिया वो तो कितना अच्छा होगा अल्लाह 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 इनको काम भी उतर इनको नाम भी उतर अकबर दो भैंस तीन दो बेटे दो भैंस एक भैंस का दूध आधा पिएगा एक भैंस का दूध गुजर पिएगा पीछे लड़ा खेला पीड़ा पीड़ा कर कितना मैं बलवान बना दो बेटा कितना मैं बलवान बना दो सभी अपने संपत्ति को हिस्सा ले ले अपना बाप को बदला ले ले बेटी ले जा अपने माँ की दे दो अपने माँ को अंदर बुला कर ले जा बुला कर दिया बेटा एक बात जानते संसार में सबसे बड़ी संपत्ति ईमान भरम है जिसके पास ईमान भरम नहीं है समझो कि पशु है जो ईमान नहीं है हिंदू है जो हिंदू हम मुसलमान है इन लोग खाना पान के प्रबंध अलग कर दो बेटे अलग कर दो ताकि घर से लाग बात नहीं रहे एक दासी रख दो दासी खाना पकाएगी इन लोग की स्नान भगवान सेवा सब करेगी नमाज वक्त हो गया हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्यार में रंग दो प्यार में इतना मैं प्यार भर लो ताकि वो पहचान नहीं पाती हम परमिन की है पसा रहे हैं और परमिन की है पला रहे हैं समझ के मेरा खानदान है इतना रंग भर लो प्यार बबोजी समझो हम चलो नमाज वक्त हो गया अरे हमारा घरे ओइले तुको काहुल हो अरे तुम बालावा अरे हमारा घरे ओइले तुको काहुल हो अरे बालावा बालवान बाल वीर बालवा हमरा घर ओइले छुपो बाहुल हो सहीरे बालवा हर साना मोटा सीना चौड़ा बदल से समा हर साना
सीना मोटा सीना चारा बदन से समान अरे हमरा घर अइले तू को काहु दे हो तेरे पालावा कैसन वीर बालवान मारा जे वही तरह से बड़बर रही कइला बाली अभी तू नहीं देखा है अभी तो तब देखा नहीं नहीं की देखना चाहता है पता नहीं बोला ही ना तो नहीं खाली सकल देख ली डरे को नहीं नू अब डर आए वाला लोग पता नहीं ओ तू नहीं डरेगा बोला ही तो और देखना चाहता है बोला ही ना चलो गेट पर बुला रहा हूँ अभी बुला रहा हूँ चलो गेट पर रुदा तो भैया को चरण कमल में कहे पड़ेगा तो क्या जरूर काम है भैया मुझे किए है मेरे भाई किसने बुलाया है देखो मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ मेरा भाई तुम इसीलिए बुलाया है कि जहाँ बनाने के लिए रानी करते रहना माँ को देखभाल करते रहना समय समय से लड़ाई भाई करते रहना हाँ मेरा भाई भैया मैं घर पर हूँ और पढ़ाई लिखाई करूँ और अब यहाँ शिकार खेलने के लिए भैया नहीं भैया आरे सुनो सुनो भैया बो आओ भैया पनी हमार आरे लोग ले लाला सोए भैया हमारा जिया आज तहरा सगवा में खेलन शिकार मारम भरिया हो बतिया के मानो हमार हमरे के ले जलो भैया मेरे दिल में तमन्ना है कि मैं आपके साथ चलूं शिकार खेलने के लिए रुदा हम जानते मेरे भाई कि तुम्हारा दिल में तमन्ना है कि मैं अपने अगले भैया के साथ जंगल शिकार खेलने चलूं लेकिन एक बात है मेरा भाई तुम्हारा उम्र 12 वर्ष का है तू छोटा है नादान है जब मरे से नौजवान हो जाएगा ना तुझे औसी नहीं कचनेंगे आज मत जा मेरे भाई मेरी बातों को मान जा भैया आप शिकार मारेंगे और मैं पाछे पाछे दौड़ा करेंगे भैया सिवाय ये पहुंच जीती नहीं मानेगा लगता है कि लेकर चलना ही पड़ेगा बुझाओ लेकर चलेंगे मेरे भाई लेकिन जंगल शिकार खेलने जाते हैं ना दुख सुख झेलना पड़ता है बर्दाश्त करना पड़ता है होगा ना जो हम शिकार खेलते कि तू पीछे पीछे दो ना जाओ खेलने शिकार मैं तो जंगलवा के बीच में हो जाऊं खेलने शिकार जाऊं खेलने शिकार जाऊं खेलने शिकार मैं तो राजा के तनहारी हूँ जकर माही पारी।